हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आ गए हैं एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में करेंगे हम प्रश्नावली 5.3 का 8वां क्वेश्चन, ठीक है। 7वां क्वेश्चन और 6ठा क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है, तो इस वीडियो में करेंगे हम 8वां क्वेश्चन, ठीक है। तो 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। स्टार्टिंग से देखो, कह रहा है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। मतलब हमें 51 पदों का योग फाइंड करना है, ठीक है। और जो दूसरा पद है वो हमें हमारे पास 14 दिया हुआ है, और जो तीसरा पद है वो हमारे पास 18 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो पहली बात ध्यान से सुनो। देखो, इसने कहा है जो हमारे पास जो A2 है ना, यानी जो दूसरा पद है वो हमारे पास 14 है, ठीक है। और जो A3 है ना, जो A3 वो हमारे पास 18 है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है S51, यानी 51 पदों का योग फाइंड करना हमें, ठीक है। तो चलो देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ। A2 को मैं लिखूंगा A+D, ठीक है। और इक्वल टू कितना हमारे पास 14, ठीक है। और A3 को क्या लिखूंगा, A+2D इक्वल टू कितना है 18, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन आ गई, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो A सेम है यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, जो पहली इक्वेशन है उसमें से दूसरी इक्वेशन माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो माइनस करूंगा, देखो क्या आ गया यहाँ पे, ये माइनस कर दिया, अब इससे ये कैंसिल हो गया। अब देखो माइनस का 2d और प्लस का d, कितना बचा, माइनस का d, ठीक है। ये माइनस 18 और ये है प्लस का 14, तो कितना बचा, माइनस का 4। माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे जो d की वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, 4, ठीक है। ये d की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम क्या निकालेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे। तो a की वैल्यू निकालने के लिए जो d की वैल्यू है वो क्या में पुट करेंगे, पहली इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या है, देखो पहली इक्वेशन है A+D इक्वल टू कितना है 14, ठीक है। अब a तो एज इज और d कितना हमारे पास 4 इक्वल टू 14, ठीक है। a इक्वल टू कितना आ गया, 14 माइनस का 4, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 10, ये आ गई हमारे पास a की वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, S51। तो देखो Sn का फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास, Sn का फॉर्मूला आता है n/2 (2a+n-1)(d), ठीक है। इस फॉर्मूले पुट करेंगे इसको, देखो। अब देखो n कितना हमारे पास 51 है, अपॉन 2 बी एस डीज इंटू 2a, यानी 2 × 2a, a कितना हमारे पास 10, प्लस का n कितना है 51, जब 51 में से 1 जाएगा तो 50, इंटू d कितना हमारे पास 4, ठीक है। 51/2 एस डीज, ये देखो 10 × 20, अब देखो 50 × 200, ठीक है। तो ये इतना आ गया हमारे पास। अब देखो क्या करेंगे हम, 51/2 एस डीज इंटू, देखो 200 × 20 कितना हो गया, 220, ठीक है। अब इसको कट करते हैं 2 से, ये आएगा 110। अब क्या करेंगे, 51 × 110 इक्वल टू कितना होता है, 5610, ठीक है। यानी जो हमारे पास जो एस 51 है ना, वो कितना है हमारे पास, 5610। तो इसका मतलब ये है कि इस एपी के प्रथम 51 पदों का योग कितना हमारे पास, 5610 है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।